गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है। गर्मियों के मौसम में लोगों के खान पान को लेकर चिकित्सक कई तरह के सलाह देते हैं। गर्मियों के मौसम में लोगों को ताजी हरी सब्जियां, ठंडे फल इत्यादि खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई लोग अपने खाने में मसालों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इन मसालों के इस्तेमाल से उन्हें गर्मियों के मौसम में थोड़ी बहुत समस्याएं भी आ सकती हैं। ऐसे में उन्हें अपने भोजन के दौरान इन मसालों के उपयोग पर काफी नियंत्रण रखना चाहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं हर रसोई में पाई जाने वाली काली मिर्च की, जिसे सर्दियों में तो औषधि के समान माना जाता है, लेकिन गर्मियों में काली मिर्च का इस्तेमाल आपको छोटी मोटी परेशानियों में डाल सकता है। आयुर्वेद के चिकित्सक डॉक्टर रास बिहारी तिवारी बताते हैं कि गर्मी के मौसम में काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि काली मिर्च में एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो किडनी, लीवर और आंत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन इसका अत्यधिक इस्तेमाल आपको परेशान कर सकता है। काली मिर्च आयुर्वेद के अनुसार कटु और तिक्त है, जो कि कफ नाशक होता है और ये कफ के लिए रामबाण की दवा काम करती है। हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स, प्रोटीन्स या मिनरल्स पैदा हो जाते हैं और ये सबको दूर कर देता है, सारे रोगों को दूर करता है, इम्यूनिटी। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रास बिहारी तिवारी ने बताया कि काली मिर्च के अत्यधिक इस्तेमाल से यह गर्भवती महिलाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को गर्म तासीर की चीजें सीमित मात्रा में ही खानी चाहिए। इसके अलावा काली मिर्च के इस्तेमाल से पेट में गर्मी हो सकती है, इससे डायरिया और कब्ज की समस्या हो सकती है। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है, इसलिए पित्त वाले लोगों को भी काली मिर्च काफी कम मात्रा में खानी चाहिए। गर्मियों में काली मिर्च के अत्यधिक इस्तेमाल से स्किन एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली, जलन, दाने, मुहासे जैसी समस्या भी हो सकती है। अत्यधिक काली मिर्च खाने वाले लोगों को पेट में अल्सर की समस्या होती है। ऐसे में काली मिर्च के इस्तेमाल पर आपको अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि काली मिर्च का अत्यधिक इस्तेमाल आपको छोटी मोटी परेशानियों में डाल सकता है। बुलेटिन के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।